हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी की एक शिक्षण योजना पर चर्चा करेंगे जो कक्षा 6 के पाठ मेरी माँ की शिक्षण योजना है। यह शिक्षण योजना 3 कार्यदिवसों में पूरी की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी हेडिंग होगी शिक्षण योजना, और उसके बाद हम 4 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में हम दिनांक के नीचे का जो कॉलम है, जो दिनांक है उसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि जब हम पढ़ाएंगे तो उसी समय की दिनांक डालेंगे। कक्षा 6, विषय हिंदी, समय 35 से 40 मिनट, जिस प्रकार का आपका वादन हो उसी हिसाब से उसमें समय डाल देंगे। अगली हेडिंग है लर्निंग आउटकम। बच्चे विभिन्न रिश्तों से, जैसे माँ पिता भाई बहन आदि से परिचित हैं। बच्चे विभिन्न स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानते हैं, और प्रकरण में लिखेंगे मेरी माँ। सीखने सिखाने की सामग्री, विभिन्न स्वतंत्रता सेनानियों का चित्र, मोबाइल की ऑडियो वीडियो क्लिप, किसी मोबाइल की कोई स्वतंत्रता सेनानियों संबंधित या उनके महापुरुषों की माँ से संबंधित कोई भी ऑडियो वीडियो क्लिप बच्चों को हम दिखा के कोई गतिविधि करा सकते हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया एवं गतिविधि, तो इसमें इसके बाद इस हेडिंग में भी 4 कॉलम बनेंगे। क्रमांक, चरण, समय और आकलन के तरीके। तो क्रमांक में हम डालेंगे क, और चरण के नीचे लिखेंगे शिक्षण के शुरुआत में। इसके लिए समय 10 मिनट होगा, और आकलन के तरीके बातचीत एवं प्रश्नोत्तरी होगी। तो इसमें हम लिखेंगे शिक्षक बच्चों से कुछ स्वतंत्रता सेनानियों की माँ का नाम पूछेंगे, या किसी महापुरुष से संबंधित कहानी सुनाने के लिए कहेंगे। तत्पश्चात कुछ प्रश्न करेंगे, जैसे महात्मा गांधी की कहानी बच्चे सुनाते हैं तो हम पूछ सकते हैं। जैसे अगर बच्चे महात्मा गांधी का तो नाम तुरंत आएगा, और बच्चे महात्मा गांधी की अगर हमें कहानी सुनाते हैं तो उनकी माँ का नाम हम पूछ सकते हैं, या महात्मा गांधी का नाम लेते हैं तो हम पूछ सकते हैं कि महात्मा गांधी की माँ का क्या नाम था। और उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या क्या करती है, और इसको हम 5 मिनट का समय देंगे। और आकलन के तरीकों में प्रतिक्रिया एवं सहभागिता देखकर हम आकलन करेंगे। इसमें जो है, अगर बच्चे से शिवाजी तथा उनकी माता जीजाबाई या उनके प्रभाव की चर्चा को भी कर सकते हैं। अगर बच्चे ना सुना पाएँ, ना बता पाएँ, तो हम अपनी ओर से भी सुना सकते हैं कि माँ का उनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा था और माँ का क्या स्थान था। और इस तरह जो है चर्चा के उपरांत हम कहेंगे कि आज हम मेरी माँ नामक पाठ को पढ़ेंगे। अब जो क्रम में अगला जो है वो ख डालेंगे क्रम संख्या में, और चरण में शिक्षण के दौरान। इसके अंतर्गत शिक्षक राम प्रसाद बिस्मिल जी द्वारा अपने माँ को लिखे पत्र को उचित आरोह अवरोह से पढ़कर सुनाएंगे, और उनके भावों को स्पष्ट करते चलेंगे, और बच्चों को देखते रहेंगे। बीच बीच में उनकी रुचि और समझ को बढ़ाने के लिए जो है प्रश्नोत्तर भी करते रहेंगे, ताकि बच्चे जो है रुचि लेकर पढ़ें और उनका ध्यान इधर उधर ना भटके, और उनका अवलोकन करते रहेंगे। अगली जो हेडिंग है उसमें क्रम संख्या में हम लिखेंगे ग, और चरण में शिक्षण के अंत में। शिक्षक सभी बच्चों को 4-5 समूहों में बांट देंगे तथा उन्हें पाठ में आए कुछ कठिन शब्द लिखने के लिए बोलेंगे। जो समूह सबसे पहले सही शब्द लिख कर दिखाएंगे, उस समूह को ताली बजवाकर प्रोत्साहित करेंगे। इसके लिए समय होगा 10 मिनट, और अवलोकन एवं सहयोग देंगे। अगर बच्चे नहीं लिख पाएंगे तो उनको, इसके अतिरिक्त अगर जिस शब्द को कोई समूह नहीं लिख पाएगा, दोनों समूह में से अगर कोई समूह नहीं लिख पाएगा, तो उस कठिन शब्द को श्यामपट पर लिखेंगे और उसका अर्थ भी बताएंगे। और अगली हेडिंग है प्रदत्त कार्य एवं गृह कार्य। बच्चे माँ से संबंधित कोई कविता बनाकर, स्वयं से बनाकर या खोजकर
लाएंगे, गृह कार्य के लिए हम 5 मिनट देंगे। शिक्षक की आगामी योजना, बच्चों की रुचि हिंदी भाषा में उत्पन्न हो यह सोचकर आगामी योजना बनाएंगे। तो इसके बाद हम अगली वीडियो में किसी अन्य विषय से संबंधित शिक्षण योजना ले आएंगे। धन्यवाद।